हेलो बालकू, आज एक बच्चे के कहने पर मोशन चैप्टर के उसको न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत आ रही है। तो मैं 9th क्लास के बच्चे के लिए ये मोस्टली राज तो उनके लिए लेक्चर है, मतलब कि क्लास में ऑफलाइन पढ़ता है, तो कह रहा था मोशन के न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत होती है। तो मोशन में ऐसे इमोशन डालूंगा आपके पास, इसके बाद न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए मोशन के से हम कुछ बातें कर लेते छोटी छोटी सी। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ क्या लिखा है। क्लास 11 आज, वैसे सारी बात क्लास है, यहाँ पर हिंदी मीडियम की मिलेंगी। क्लास में कुछ क्लासें पहले अपलोडेड हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में है। तो क्लास 9th की बात है ये। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है मोशन। मोशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, चेंज इन पोजीशन कहते हैं बेटा इसको। क्या कहते हैं? चेंज इन पोजीशन। ये क्या हो गया भाई इसको? हाँ, चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई वस्तु अगर अपना स्थान चेंज कर लेती है तो कहते हैं वो मोशन आ गया उसमें। ठीक है, और मोशन किसी के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप मोशन में हैं या नहीं हैं, तो कैसे निर्धारित करेंगे बेटा? नेक्स्ट वन जो होगा वो देख कर ही डिसाइड करेगा। जैसे कि हम मून पर खड़े हो जाते हैं, अर्थ कैसी दिखाई देगी? घूमती हुई दिखाई देगी ना, यानी मून के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अर्थ घूमती हुई दिखाई दे रही है हमको। तो हमेशा जो मोशन होता है वो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, चलिए, अब दो साइकिल सवार अगर एक दूसरे के एक स्पीड से चल रहे हैं तो वो क्या मोशन लगेगा तुम्हें? लगेगा नहीं, क्योंकि साथ साथ चल रहे हो। जब एक धीमी गति से तेजी गति, तब पता चलता हाँ मोशन में है मामला। चलिए, मोशन की डेफिनेशन वैसे आपके लिए पेपर में लिखने लायक काम आएगी। अब मोशन समझ चुके हैं। मोशन के बाद समझने, मोशन के अपने अपने टाइप होते हैं। कभी कोई कहता है स्ट्रेट लाइन मोशन, कभी कोई कहता है सर्कुलर मोशन। तो बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन का क्या मतलब है? व्हेन अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करे लाइक दिस। मान लीजिए आपका लंबा चौड़ा कार है। अरे कार कैसे बनेगा? अरे ये कैसे होगी कार हमारी? हाँ, ये बुगाड़ी जा रही है हमारी, बक 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 चलती जाए सीधे स्ट्रेट पाथ पे। अब सर्कुलर पाथ पे हमारी बुगाड़ी, मान लो गोल गोल पथ पे घूम रही है, ऐसे कार ऐसे घूम रही है। जब कोई कार किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करे, कार का कोई ऑब्जेक्ट, बेटा हम कहते हैं उसको बेटा सर्कुलर मोशन कर रहा है बेटा। चलो ये हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है। बेटा ये भी कहा जाता है वन डायमेंशनल मोशन। ये थोड़ा ज्यादा बता दिया मैंने, 1D 2D 3D ना जाने आप, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में आ जाएंगे बेटा। ठीक है, ये जरूर ज्यादा नहीं है। अब ये समझिए यूनिफॉर्म मोशन। क्या समझिए बेटा? यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटा एक, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। अब मैंने पहले एग्जांपल देना है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मान लो ये पप्पू आदमी है, पप्पू वो अपने पापा को पीछे साइकिल पे बिठा लेते हैं और स्कूल तक लेके जाते हैं। पप्पू की गाड़ी की स्पीड कहीं भी नहीं बदलेगी, कहीं धीमी कहीं तेज नहीं होगी, आराम से एक स्पीड में जाएंगे, क्योंकि पापा उनके पीछे बैठे हैं और मजबूत चप्पल पहने हुए हैं वो। तो पप्पू नीचे देख लेता है तो फिर गाड़ी की स्पीड में कोई चेंज नहीं करता, एक जैसी स्पीड में जाता है, एक जैसी स्पीड में आता है। किसी दिन क्या होता है, पप्पू के पापा पप्पू के साथ नहीं जाते हैं और पप्पू अपने दोस्तों के साथ जाता है। तो गाड़ी ढिचक ढिचक अलग तरीके से चलाता है, एकदम ढिचक ढिचक ब्रेक मार के आगे करके पीछे करके। अब ऐसा क्यों किया पप्पू ने? ये कहानी है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की। अगर बॉडी विदाउट चेंजिंग इन वेलोसिटी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है बिना चेंज इन वेलोसिटी, तो बेटा हम उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और बॉडी अगर मूव कर रही है विद चेंज इन वेलोसिटी, तो बेटा उसे क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। पहले आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, फिर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रहे हैं, फिर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, आपको कोई स्पीड फिक्स नहीं है। तो बेटा ऐसे मोशन में जिसमें वेग वेलोसिटी जो होती है चेंज होती रहती है, हम उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। और जिसमें वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहती है बेटा, हम उसे कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वेलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी गेटिंग चेंज। तो बेटा ये था आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का तरीका। सर्कुलर स्ट्रेट पाथ मैंने बता दिया बेटा। बहुत मोशन होते हैं बेटा, बहुत प्रकार के मोशन होते हैं, क्रीपिंग लो, एक्सेलरेटिंग लो, पीरियाडिक लो, सब नहीं बताऊंगा मैं अभी। अब बेटा थोड़ी सी छोटी छोटी बातें बात कर लें। जैसे मोशन के स्टम जो टर्मिनोलॉजी है मोशन चैप्टर के बेटा, उसमें सबसे पहले आता है डिस्टेंस।
क्या होता है बेटा? डिस्टेंस। आखिर डिस्टेंस क्या होता है बेटा? कहते हैं लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो बोल रहा हूं वो लिख सकते हो बेटा, लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो बेटा हमसे कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बेटा? डिस्टेंस कह सकते हो बेटा स्केलर क्वांटिटी है। क्या बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, कभी जीरो नहीं हो सकती, नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो, ठीक है बेटा। एक पॉजिटिव इंटीजर रहती बेटा, पॉजिटिव इंटीजर रहती बेटा, ठीक है पॉजिटिव। अब हम आपको बता दें स्केलर क्या होता है बेटा। देखिए जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो उसमें बेटा डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन प्लस बेटा उसमें होनी चाहिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हर चीज में होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता ही होता है। अब अगर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ है तो हम उसे वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर। और अगर कोई क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, अभी समझ नहीं आ रहा, मैं भाषा में समझाऊंगा तो आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ओनली बेटा उसे कहते हैं स्केलर। अब समझो मान लो पप्पू को अपने स्कूल जाना है, पप्पू ने कहा चल निकल, पप्पू ने, पप्पू के पापा ने कहा चल निकल जा स्कूल जा। अब पप्पू मस्तानी चाल में चल दिए घर से, आगे गए पहले दोस्त को लिया है, फिर थोड़ी दूर आगे गए कि उधर वाले दोस्त को ले लो, लाटू सुबह रहता है, रमेश एक रकागुंज में दोस्त रहता है, इधर उधर घूम घाम के स्कूल पहुंचे वो, क्या क्या सीधा स्कूल नहीं पहुंचे वो घूम घूम कर पहुंच रहे हैं। यानी कि पप्पू के पास मैग्नीट्यूड तो था कि उन्हें स्कूल जाना है, स्कूल उनका मैग्नीट्यूड है, उनके जाना है स्कूल ही है, लेकिन दिशा फिक्स नहीं थी। तो इस वे में बात करें तो ये तो मामला कैसा हो गया पप्पू का? स्केलर हो गया। अब जैसे हम जैसे शांत विद्यार्थी, स्कूल जाना है पहले दाहिने जाना फिर बाएं जाना, अब हमें ये भी पता है कि हमें जाना किधर है, पहले हम राइट जाएंगे फिर लेफ्ट जाएंगे फिर अपने स्कूल पहुंच जाएंगे। बेटा जब डायरेक्शन के साथ मूव करोगे तो हम कहेंगे बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी है, और विदाउट डायरेक्शन चलोगे तो बेटा वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस क्या डिस्टेंस, जैसे कहना 5 किलोमीटर डिस्टेंस। अब आपको डायरेक्शन तो बताई नहीं कि, अगर डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस बताई जाती है तो बेटा वो वेक्टर हो जाती है। क्या हो जाता बेटा? वेक्टर हो जाती है। तो डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्शन पता है तब डिस्टेंस वेक्टर होगी, ये ध्यान रखिए। मतलब अभी बताऊंगा, थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो वेक्टर क्वांटिटी, अब जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये चार क्वांटिटी याद रखिए, पेपर में आपसे पूछी जाएंगी, जो मैंने बोली अभी सुन के नोट कर लो। स्केलर में क्या बेटा बताऊं? डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी, टाइम, मास, ये सब क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, तुम्हें याद रखनी चाहिए, ठीक है। आता है डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखने के लिए। तो बेटा ये था डिस्टेंस का कहानी, ठीक हो गई। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की क्या मामला है? कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज, नोन एज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मैंने कहा पप्पू पहले 3 किलोमीटर पर चला फिर 4 किलोमीटर चला, बताओ उसकी घर से दूरी कितनी है? पप्पू यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, 3 किलोमीटर इधर चला, 4 किलोमीटर वो इधर चला, बेटा डिस्टेंस कितनी आई बेटा इसकी? टोटल 3 4 7, 7 किलोमीटर बेटा इसकी डिस्टेंस है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो बेटा ये पॉइंट, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये हाइपोटेनियस है, मैथमेटिक्स जानते हो, हाइपोटेनियस निकालना होता बेटा, तो बेटा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एच स्क्वायर 3, यहाँ पर बेस कितना बेटा 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेटा 3 स्क्वायर, एच स्क्वायर 16 प्लस 3 3 9, एच स्क्वायर बराबर कितना बेटा 25, एच की वैल्यू कितना बेटा 5। तो बेटा यहाँ पर ये कितना हो गया बेटा 5 किलोमीटर, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये क्या बेटा? डिस्टेंस है। आपको समझ में आया एकदम कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा,
ये बेटा आपका जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। एक ये वेक्टर क्वांटिटी है और लेस देन डिस्टेंस होता है। बेटा याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन कह सकते हो, लेस देन डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस थोड़ा सा कम ही रहता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, डिस्टेंस क्लियर हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बेटा एक होती है, क्या बेटा होती है, उसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी, ठीक है। थोड़ा सा तेज पढ़ाते हैं। वेलोसिटी की बात करें अगर हम, वेलोसिटी बेटा कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी कहा जाता है इसको। कितना मतलब कि कह सकते हो कि पेपर में अगर न्यूमेरिकल बनता है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया रहता है और टाइम भी दिया रहता है, उससे मान्यता वेलोसिटी निकालने की बात करते हैं। तो आपको इस फॉर्मूले से निकाल लेना है बेटा, ठीक है। नॉर्मली इसे कहते हैं बेटा डी बाय टी, ठीक है। इसी के साथ बेटा एक टर्म आता है स्पीड, उसमें होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक बेटा। इसे भी डी बाय टी कहते हैं बेटा। यहाँ पर फर्क इतना है कि यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। इसीलिए बेटा ये क्वांटिटी स्पीड क्या होती है बेटा, स्केलर होती है। क्या होती है बेटा? स्केलर। ये वेलोसिटी क्या होती है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें बेटा आप लोग। अब बेटा आता है हमारे पास, इस सारी बातें बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, ज़्यादा हो गया है टाइम। अब जैसे कि आपसे कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड मान लो। तो कहते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन। जैसे कि कहते हैं कि मान लो पप्पू पहले मौसी के यहाँ गए, फिर बुआ के यहाँ गए, फिर फूफा के यहाँ गए, फिर चाचा के यहाँ गए, फिर नाना के यहाँ गए, फिर अपने दोस्त के यहाँ गए, फिर घर गए, सब देर चलता रहा पप्पू। तो मामला ये है कि आप 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तक 3 किलोमीटर चल लिया। अब इसने टोटल कितना चला, 2, 3, 5, 4, 9, 2, 11, 12, 3, 15 चला। टोटल डिस्टेंस कितनी बेटा? 15। हमारे टोटल समय लगाओ यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, इस तरह समय लगाओ। तो टोटल समय जुड़ के यहाँ लगा देंगे, टोटल डिस्टेंस टोटल समय, फिर डिवाइड कर देंगे बेटा, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज का मतलब होता है किस जितना डिस्टेंस चला उसको जोड़ो, उसके बाद टोटल जितना समय चला उसको जोड़ो, फिर फाइनल डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा आपको, ठीक। एवरेज स्पीड समझ में आ गया बेटा आपको। अब न्यूटन ने बेटा 3 इक्वेशन दिए हैं, आपको बताता हूँ। न्यूटन ने 3 इक्वेशन दिए, उससे पहले बेटा आपको कुछ ग्राफ का आइडिया दे देता हूँ बेटा। ग्राफ समझे बेटा कैसे बनते हैं, मतलब ग्राफ का भी अपना रोल होता है ना। मान लो ऐसे लिखा, बताता हूँ, 2-3 ग्राफ सिखाता हूँ बेटा आपको। एक ग्राफ ऐसे है मान लो और एक ग्राफ बेटा ऐसे है मान लो। इन सब ग्राफों का क्या मतलब होता है, देखिए बेटा। मान लीजिए बेटा यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है वेलोसिटी, यहाँ लिखा है बेटा आपका टाइम। क्या लिखा है बेटा? टाइम। इसका मतलब ये, मान लो ग्राफ पर 3 बिंदु खींच लो पहले, ऐसे कहीं पर जो 3 लाइनों पर खींच लो बेटा, हमेशा 3 ड्रॉ खींच लिया करो बेटा, ठीक, खींच लिया हमने। और हम देखते हैं, मिलाते हैं, ऐसे बढ़े ऐसे भी बढ़े, ऐसे बढ़े ऐसे भी बढ़े, ऐसे भी बढ़े ऐसे भी बढ़े, मतलब वेलोसिटी जो है टाइम के साथ बढ़ रही है। ये ग्राफ यही प्रेजेंट करता है। याद रखना यहाँ और यहाँ की चीजें देखकर, अगर दोनों साइमल्टेनियसली लगातार बढ़ रही हैं, जब दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बेटा ग्राफ ऐसे जाता है। अब समझिए इधर, मतलब बेटा ये आपका टाइम था, ये क्या था बेटा? टाइम। और ये तो बेटा आपकी वेलोसिटी, क्या था बेटा? वेलोसिटी। अब क्या है, देखिए वेलोसिटी यहीं पर टिकी हुई है, लेकिन टाइम के साथ देखिए बेटा टाइम क्या हो रहा है, लगातार ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुंच चुके हम लोग। समय पहले यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, यानी टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या बेटा? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। यहाँ देखिए बेटा, तुरंत मैच करिए यहाँ पर, ऐसे करके मैच कर लिया आपने। अब यहाँ पर जो है कि जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है
वो पहले थोड़ा स्लो है फिर बढ़ रहा है। गाड़ी जैसे हम लोग चलाते हैं नॉर्मली घर से गाड़ी जैसे चलाते हैं ना, पहले धीरे चलती फिर तेज जाती है, तो वैसा ग्राफ बेटा ये दिखाया जाता है। तो ग्राफ का अपना बहुत बड़ा मतलब होता है। तो ये सारी बातें ऑफलाइन पढ़ाऊँ क्योंकि 9th क्लास को पढ़ाना थोड़ा सा अभी बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे, तो मैंने आपको जिस प्रकार से बताने का प्रयास किया है तो ये इससे कवर हो जाएगा बेटा। आपका ग्राफ को हमेशा इस नजरिए से देखिए बेटा। तो ग्राफ में हमेशा पहले तीन डॉट खींच लिया करिए, उसके बाद लाइन खींचा करिए, देखिए क्या हो रहा है एक्चुअल में, दोनों ग्राफ में महसूस किया करिए बेटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बहुत सारे और ग्राफ होते हैं बेटा, मतलब कि सब ग्राफ बताना समझाना थोड़ा कठिन है। अब बेटा न्यूटन ने तीन इक्वेशन दी थी मोशन की, एक बेटा यू वी बराबर यू प्लस ए टी दी थी बेटा, एक एस बराबर बेटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दी थी बेटा, और एक दी थी बेटा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तीन इक्वेशन दी थी न्यूटन ने। अब बेटा यहाँ पर जो आपके सिंबल यूज हुए हैं वी यू ए टी एस, इनका क्या मतलब है बेटा? v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। a को बोलते हैं बेटा एक्सलर, u है बेटा ये, तो बेटा इसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसे? इनिशियल वेलोसिटी बेटा, इसे को एक्सलरेशन बोलते हैं, एक्सलरेशन बोलते हैं, एक्सलरेशन। इसे टाइम बोलते हैं, इसे डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, अब समझे मेरी बात बेटा। सामान्यतः हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्या होगा, वो सारी डिटेल हमको पता है, न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर ही बनाना पड़ेगा मुझे, कि लेक्चर बड़ा हो जा रहा है ये। अब एक्सेलरेशन समझा देता हूँ मैं आपको बेटा। देखिए एक्सेलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगर कोई गाड़ी चल रही है और अपनी वेलोसिटी बार बार बदल रही है तो पक्का वो गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, मान लो कोई गाड़ी एक है ऐसी जो एक ही स्पीड में चल रही है, एक ही वेलोसिटी में चल रही है, तो बेटा उसमें वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं हुआ तो वहाँ एक्सेलरेशन शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं बेटा डेल्टा वी बटे डेल्टा टी बराबर क्या बेटा? ए। ये होता है एक्सेलरेशन। इसी के जस्ट अपोजिट बेटा होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है बेटा? निगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, तब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी कम हो जाती है, इनिशियल ज्यादा हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इनिशियल ज्यादा हो जाती है। उस चक्कर में क्या होता है बेटा, जैसे नॉर्मली डेल्टा वी निकालते हैं ना, क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। लेकिन अगर मान लो फाइनल कम हो जाए, 10 हो जाए और इनिशियल बेटा आपकी 20 चली रही, तो बेटा क्या जाएगा? माइनस में 10 आ जाएगा। तो तब इस केस में जब एक्सेलरेशन निकालेंगे आके समय के साथ, तब बेटा निगेटिव आ जाता है। तो ब्रेक लगाते समय गाड़ी क्या होता है? रिटार्ड हो जाती है। तो ये हो जाता है रिटार्डेशन के समय। तो बेटा आपको मैंने डेफिनेशन छोटी छोटी बताई है, कैसा लेक्चर लगा बताइएगा। और आप न्यूमेरिकल जब दिया जाए, अगर गाड़ी चलना प्रारंभ करे, स्टार्टेड टू मूव, तब बेटा वहां पर यू क्या कर देंगे बेटा? जीरो रखेंगे हमेशा। ठीक है, तब अरे फिर अरे बेटा भी लाइट चली गई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइट ही चली गई, क्या किया जाए।